Hello everyone, welcome to GitHub. In this video we will see about Cutback Bitumen, Emulsion and Tar. Okay? हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बिटुमिन के ऊपर अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे कि हमारा बिटुमिन क्या होता है और हम जो हमारा बिटुमिन के कितने हमारे टेस्ट्स हैं वो सबको काफी डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ था अब इसके प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो हमारे और भी जितने भी हमारे बिटुमिनस मटेरियल्स हो गए, जैसे कि मेरा कटबैक बिटुमिन हो गया, ओके, इमल्सन्स हो गया एंड टार हो गया, इन तीनों को मैं इस वीडियो में मैं कवर करूंगा. ओके, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल GitHub को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं भविष्य में जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सब आपको जल्दी से मिलता रहे. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो हमारा कटबैक बिटुमिन होता क्या है, जैसे कि मैंने बिटुमिन आपको बताया कि बिटुमिन हमारा जो विस्कस और नॉन विस्कस, यानी विस्कस बोल सकते हो और कम विस्कस दोनों होता है. ठीक है, तो हमारा जो कटबैक बिटुमिन का यूज कहाँ करते हैं. ठीक है, ये जो हमारा जो कटबैक बिटुमिन का जनरली यूज किया जाता है कोल्ड कंट्री में किया जाता है. ठीक है, कोल्ड कंट्री में इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे कोल्ड कंट्री है जहां का जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है. इसका मतलब क्या है कि जो बिटुमिन है वो काफी ज्यादा विस्कस है. विस्कस इन द सेंस कि वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है, तो हम उसका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अपने हाईवे में. ठीक है, तो उस चीज को हम क्या करेंगे कि जो मेरा गाढ़ा था उस चीज को पतला बनाया जाता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायल्यूटेंट. ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है, एट लो टेम्परेचर विस्कोसिटी इज वेरी हाई, यानी जो कम टेम्परेचर पे जो मेरा बिटुमिन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है उसकी विस्कोसिटी. वी हैव टू डिक्रीज द विस्कोसिटी, हमको क्या करना पड़ेगा, जो गाढ़ापन था उस चीज को हमको कुछ कम करके पतला करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं कि बिटुमिन में हम कुछ वोलाटाइल डायल्यूटेंट डाल देते हैं. ठीक है, कि वोलाटाइल डायल्यूटेंट डाल देने से क्या होगा कि जो बिटुमिन है वो मेरा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा. ठीक है, तो जब हम बिटुमिन में अगर हम वोलाटाइल डायल्यूटेंट डालने के बाद ये जो बिटुमिन बन जाता है वो बन जाता है मेरा कटबैक बिटुमिन. आई बात समझ में, ये बिटुमिन था उसमें हमने डायल्यूटेंट डाल दिया और मेरा बन गया ये कटबैक बिटुमिन, है ना. तो बिटुमिन और कटबैक बिटुमिन में यही मेन डिफरेंस था. तो चलिए हम देखते हैं हमारा कटबैक बिटुमिन के हमारे कुछ इसमें टाइप्स होते हैं. ठीक है, इसका तीन टाइप होता है. पहला होता है आरसी, रैपिड क्यूरिंग. दूसरा होता है मेरा एमसी, मीडियम क्यूरिंग. एंड यहाँ पे है मेरा एससी, स्लो क्यूरिंग. ठीक है, यहाँ पे जो क्यूरिंग वर्ड लिखा गया है, क्यूरिंग वर्ड का मतलब है कि ये कितना जल्दी सेट कर जाता है. ठीक है, रैपिड क्यूरिंग का मतलब हो गया कि इस तरीके का जितने भी हमारे कटबैक बिटुमिन होंगे वो तुरंत हमारा क्विकली क्या करेगा, सेट हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा मीडियम में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये बहुत ही स्लो सेट होगा, है ना. तो जनरली जो हमारा रैपिड क्यूरिंग में हम गैसोलीन डालते हैं. ठीक है, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट का डाइल्यूटेंट को हम डाल देते हैं. लो बॉइलिंग पॉइंट का डाइल्यूटेंट को डालने का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा तुरंत ये गर्म हो जाएगा. ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यही है कि बहुत ही कम टेम्परेचर में हमारा बॉइल कर जाएगा, यानी हमारा इसमें जनरली गैसोलीन यूज करते हैं तो हमारा तुरंत क्विकली सेट हो जाता है. नेक्स्ट हमारा जो मीडियम क्यूरिंग के लिए हम क्या करते हैं, मीडियम बॉइलिंग पॉइंट डाइल्यूटेंट यूज करते हैं, कि वैसे डाइल्यूटेंट यूज करते हैं जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मीडियम होता है, जैसे केरोसिन. अब देखिए, स्लो क्यूरिंग के लिए क्या करेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट डाइल्यूटेंट को यूज करते हैं, जैसे गैस ऑयल वगैरह को हम यूज करते हैं. ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है. तो आपको कभी कभी इस तरीके से आपको ग्रेडिंग मिल जाएगा. ठीक है, आरसी, एमसी, एससी, तो देखो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको कहीं मिलेगा आरसी 0, आरसी 1, आरसी 2, आरसी 3, आरसी 4, आरसी 5. ठीक है, तो इनमें से हम क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, जो आरसी ये जो कोड दिया गया 0, 1, 2, 3, 4, तो आप सीधा सीधी यहाँ पे मतलब जानो 1, 2, 3, 4, 5 है. अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम बढ़ेंगे तो मेरा क्या होगा, जो विस्कोसिटी है वो बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, यानी विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा जो नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5. आरसी तो मेरा पता है कि रैपिड क्यूरिंग है, तो इसमें से अगर देखिए इस डायरेक्शन पे अगर हम इस डायरेक्शन जाएंगे, यानी 0 से लेकर 5 की तरफ जाएंगे, तो मेरा जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी बढ़ जाता है. ठीक है, और जब हम इधर से आएंगे तो मेरा इसमें क्या हो जाता है, जो विस्कोसिटी है वो काफी घट जाता है ना. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि लेस डाइल्यूटेंट, यानी मोर मेरा बिटुमिन हो गया. गाढ़ा का मतलब हो गया कि यहाँ पे मेरा लेस डाइल्यूटेंट होगा, यानी बिटुमिन का अमाउंट ज्यादा होगा. 5 पे अगर पूछा जाए, R5 पे, तो यहाँ पे उसका क्या है, बिटुमिन बहुत ज्यादा उसका विस्कस है, है ना, विस्कोसिटी ज्यादा है. विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूटेंट मेरा कम होगा ऑब्वियसली, इस तरीके से आप यहाँ सोच सकते हो. और जब मेरा इधर से 5 से लेके
डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा बिटुमिन है इसका जो विस्कोसिटी है वो कम है, विस्कोसिटी कम है इसका मतलब कि डाइल्यूटेंट इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलाया गया है, तभी तो ये पतला हो गया, ठीक है। तो वो था मेरा कटबैक विटामिन, ठीक है, आपने देख लिया कि कटबैक विटामिन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, है ना। उसके बाद चलिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है मेरा इमल्शंस, ठीक है, कि हमारा जो रोड में इमल्शंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जनरली देखिए इमल्शंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम एक पूरा कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, इस कंटेनर में मैं क्या करता हूँ पूरा वाटर भर देता हूँ। अब वाटर भरने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो बिटुमिन होगा उस बिटुमिन के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, बहुत ही सस्पेंडेड फॉर्म में छोटे छोटे मैं इसमें टुकड़े कर देता हूँ। टुकड़े कर देने के बाद इसको हम क्या करेंगे वाटर में ऐड कर देंगे, है ना। तो वाटर में ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा कि इसको ऐड करने के बाद ये जो हमारा बिटुमिन है ये क्या करेगा, नीचे सरफेस में जाके बैठ जाएगा। तो हमको क्या करना है कि ये जो बिटुमिन्स हैं इसको सरफेस में हमको बैठने नहीं देना है, ठीक है। तो हमको अगर इसको सस्पेंडेड फॉर्म में ही मेंटेन रखना है तो हमको क्या करते हैं इसके लिए इमल्सीफायर का यूज कर देते हैं। इमल्सीफायर हम इस वाटर में मिला देते हैं। इमल्सीफायर मिलाने का जो मेन रीजन होता है कि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो बिटुमिन पार्टिकल है उस पार्टिकल को होल्ड करके रखेगा, यानी उसको जस्ट सस्पेंडेड फॉर्म में रखेगा, यानी इमल्सीफायर इज एडेड टू कीप बिटुमिन इन सस्पेंडेड फॉर्म, है ना। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमल्सीफायर का काम क्या है, तो ये क्या करता है बिटुमिन को सस्पेंडेड फॉर्म में मेंटेन कर देता है, है ना। तो ये देखो ये जो मैं ब्लू कलर से जो डॉटेड दिख रहा है वो हमारा बिटुमिन है, ठीक है। तो इस चीज का जो कॉम्बिनेशन को पूरा को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इमल्शन, वाटर प्लस इमल्सीफायर प्लस बिटुमिन पाउडर्स जो होंगे छोटे छोटे टुकड़े, इस पूरे होल कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम कि ये मेरा इमल्शन तैयार हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे बोथ द मटेरियल्स इज इन लिक्विड फेज, तो यहाँ से आपको देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड है वाटर तो लिक्विड फेज में है एंड जो बिटुमिन भी है जो मेरा वो भी लिक्विड फेज में है, ठीक है। दोनों को आपस में इमिसिबल लिक्विड बन गया, तो दोनों आपस में बैठना नहीं चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये सस्पेंडेड फॉर्म मेंटेन करना चाहिए, तब ये मेरा इमल्शन होगा। नेक्स्ट है इट इज टू फेज सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे दो फेज सिस्टम है क्योंकि बिटुमिन है और वाटर है, इसमें है टू मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, कि इसमें दो प्रकार का मिसिबल लिक्विड्स है, एक हो गया मेरा इमल्सीफायर और दूसरा वाटर हो गया, है ना। तो देखिए जो इमल्सीफायर का जो मेन काम होता क्या है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मैं यहां से मैं लिख देता हूँ। देखिए इमल्सीफायर का जो पहला काम है ये क्या करेगा, स्टेबलाइजर है, ठीक है, यानी इस चीज में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा है सस्पेंडेड फॉर्म मेंटेन रखता है ना, कि वाटर और मेरा जो ये विटामिन पाउडर है इसके बीच में हमेशा सस्पेंडेड फॉर्म को मेंटेन रखता है। एंड ये जो प्रोडक्ट होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्शन ग्लोबल्स फॉर्म करता है, ठीक है, है ना। तो जनरली हमारा जो इमल्सीफायर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, हमारा मेन जो कॉमन इमल्सीफायर होता है वो होता है सॉप सॉल्यूशन, ठीक है, कि सॉप सॉल्यूशन में आप देखे होंगे कि उसमें झाग बन जाता है, वो झाग क्या करता है कि मेरा जो भी हमारा विटामिन पाउडर है उस चीज को सस्पेंडेड फॉर्म में मेंटेन करके रखते हैं, है ना। तो जनरली यहाँ पे देख लीजिए इमल्शन में, है ना, बिटुमिन होता है 50-60%, इमल्सीफायर होता है 0-5%, रेस्ट जितने भी हमारे अमाउंट्स हो गए वो होते हैं हमारे वाटर के। तो ये हमारा दिस आर द कॉम्बिनेशन कंपोनेंट ऑफ इमल्शन, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यूज हम इमल्शन का कहाँ करेंगे। तो पहला हम इसको जो यूज करते हैं वो मेंटेनेंस एंड पैचवर्क में करते हैं, यानी अगर मेरा किसी भी रोड में देखते हैं कि अगर गड्ढा हो जाता है तो उस गड्ढे में ये बिटुमिन को इमल्शन को भर दिया जाता है, ठीक है, तो इसी में हम इसका यूज करते हैं। इसका जो मेन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि इमल्शन का आखिर मेन पावर क्या होता है, ठीक है, तो इसी को थोड़ा बहुत घुमा के पूछता है। तो मेन जो पावर है इमल्शन का, इट कैन बी यूज इन वेट वेदर, कि इसको ठंडे जगह और रेनी जगह पे जहां होते बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम इसीलिए यूज कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा इमल्शन है, इमल्शन में तो खुद वाटर है, तो जैसे जैसे वाटर वेपर में फॉर्म में ये चला जाए उड़ जाएगा, यानी ठीक है, तो मेरा बच जाएगा क्या वहां पे, केवल बिटुमिन बच जाएगा, है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको वेरी 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 फाइव स्टार दे दिया। इस चीज को आप देख लेना अच्छे से, है ना, कि इसको हमेशा वेट वेदर में भी यूज किया जा सकता है। आपको ऑप्शंस दे देंगे, चार ऑप्शंस देगा, इसमें से बोल देगा कि कौन से हमारे जो बिटुमिन है जिसको हम यूज करते हैं वेट वेदर में। एंड कहीं कहीं पे इसका किया जाता है सॉइल स्टेबलाइजेशन इन डेजर्ट एरिया, की वैसे डेजर्ट एरिया में सॉइल के स्टेबलाइजेशन में भी हम इमल्शन का यूज करते हैं, ओके।
तो हम क्या करें, इमल्शन देख लें कि हमारा इमल्शन कितने तरीके का होता है और इमल्शन हम कैसे फॉर्म करते हैं और हमारा इमल्शन का यूज क्या होता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट आ जाता है मेरा टार, ठीक है, कि टार क्या होता है, इस चीज को समझो। ये जो जनरली टार्स फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड वुड, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब हो गया टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, कि एयर के प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं तब हमारा जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं टार। तो देखिए अगर हम कोयले को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो इससे हमको जो मिलेगा वो मिलता है कोल टार, एंड अगर हम वुड को जलाते हैं लकड़ी को जलाते हैं तो हमको यहां से मिल जाता है वुड टार, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है मेरा कोल या फिर वुड का, ठीक है, इससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं टार, है ना। तो यहाँ पे आप देखो एक चीज बहुत ही ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर गेट ईएससी के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूं आर वन आर टी वन आर टी टू आर टी थ्री आर टी फोर आर टी फाइव, इस चीज को पांचों को आपको याद रख लेना है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है, ईएससी में। तो देखो आरटी का मतलब क्या था, अगर मैं यहां से जो नंबरिंग है वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव का मतलब जो प्रीवियस में हमने वहां पे देखा था कटबैक बिटुमिन में, ठीक है, सेम मतलब है कि विस्कोसिटी बढ़ते चला जाएगा। अगर हम नंबरिंग बढ़ जाते हैं तो वो विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा विस्कोसिटी भी मेरा बढ़ जाएगा, है ना। तो हमारा देखिए इस पे जो टार है, टार आर टी वन, इसका मतलब होता है लो विस्कस, यानी वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लो विस्कस, एंड इसका जो यूज किया जाता है सरफेस पेंटिंग अंडर कोल्ड वेदर, ठीक है, कि कोल्ड वेदर में हम इसका सरफेस पेंटिंग में यूज करते हैं, ओके। आर टी टू क्या हो गया, ये हो गया मेरा, इसके बाद थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा इसका विस्कोसिटी, एंड फोर सरफेस पेंटिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है ईएससी में, है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस पेंटिंग अंडर कोल्ड वेदर और नॉर्मल कंडीशन में, आरटी वन आरटी टू, तो आपको इस चीज को याद रखना है। देखो जो थर्ड है आरटी थ्री, इसका मतलब होता है सरफेस पेंटिंग इन रिन्यूएबल कोट्स, ठीक है, इसका हम रिन्यूएबल कोट्स में इसको हम यूज करते हैं आरटी थ्री टाइप के टार को। अब देखिए आरटी फोर के लिए हम करते हैं प्री मिक्सिंग विथ बेस कोर्स, है ना, कि हम इसका प्री मिक्सिंग विथ जब बेस कोर्स करेंगे तो आरटी फोर का यूज करेंगे। एंड जो सबसे यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरटी फाइव, आरटी फाइव मतलब सबसे ज्यादा उसका विस्कस होगा, एंड इसको यूज किया जाता है ग्राउटिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो विस्कोसिटी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है ग्राउटिंग के लिए। आप इस पांचों को आरटी वन आरटी टू आरटी थ्री आरटी फोर एंड आरटी फाइव को अच्छे तरीके से याद कर लो, इसके जो यूजेज हैं, ओके। तो चलिए हमारा एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, वो है मेरा बिटुमिन एंड टार, कि आपको देखना पड़ेगा कि बिटुमिन तो पता है आपको, टार में क्या मेन डिफरेंस होता है ना। तो जो पहला होता है, देखिए बिटुमिन किससे बनता है, पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट, है ना, एंड ये जो मेरा टार किससे बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और वुड, कोल और वुड का जो डिस्ट्रक्टिव जो डिस्टिलेशन होता है उससे टार बनता है। अब देखिए जो ये बिटुमिन होता है, प्योर बिटुमिन सोल्यूबल इन CCl4 एंड CH2, जो भी बिटुमिन मेरा प्योर होगा वो CCl4 एंड CH2 में क्या होगा, कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, बट ये जो हमारा टार होता है ओनली सोल्यूबल इन टोलविन, कि ये केवल टोलविन में ही सोल्यूबल है। नेक्स्ट है मेरा सुपीरियर डक्ट, ये आपका ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी, जो मेरा बिटुमिन होता है वो काफी ज्यादा सुपीरियर होता है और वाटर प्रूफिंग जो टेंडेंसी होता है उसका वो बहुत अच्छा होता है, बट हमारा इसका जो डक्टिलिटी इन्फेरियर होता है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, इसीलिए हम टार का कभी यूज नहीं करते हैं अपने इंडस्ट्रियल शेड वगैरह में वाटर प्रूफिंग के तौर पे, ओके। नेक्स्ट है मेरा लेस टेम्परेचर ससेप्टेबल, है ना, ये टेम्परेचर से लेस ससेप्टेबल होता है, बट ये मेरा मोर टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है मेरा टार, ओके। अब देख लेते हैं इसमें से कि बिटुमिन होता है, बिटुमिन में लेस फ्री कार्बन, जो कार्बन की जो फ्री कार्बन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, बट मेरा टार में मोर फ्री कार्बन, क्योंकि इसका जो मेन जो डिस्टिलेशन जो हो रहा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो तो कोल में हो रहा है, तो इसमें जो ऑब्वियसली है कि जो फ्री कार्बन होंगे वो काफी ज्यादा अमाउंट में होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था इमल्शन, कटबैक बिटुमिन एंड टार, ओके। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट मार्शल मिक्स डिजाइन, ओके। तो इसका जो प्रीवियस ये नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम मार्शल मिक्स डिजाइन को बताएंगे, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके।
यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि उस चीज पे हम इम्प्रूवमेंट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।